के पास जा रहे हैं ना अर्कुत अंकल? जी बेटा, अम्मी के पास ही जा रहे हैं। तो फिर जैनब आपा खुद क्यों नहीं आए मुझे लेने? जैनब आपा काम पे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। तुम्हारे बाबा और मुराद भाई भी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे, जानती हो। सलीम अंकल को बताना चाहिए था कि मैं जा रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं खुद सलीम अंकल को बता दूंगा। चलो। तुम्हारी भतीजी मेरे पास है, इसलिए मेरी कॉल का इंतजार करना। एलिफ बेटा, तुम पीछे सीट पर बैठ जाओ। एलिफ, जल्दी से गाड़ी में बैठो। चलो बेटा, ठंड में बीमार हो जाओगी, जल्दी गाड़ी में बैठो। सलीम अंकल को बता देते तो अच्छा होता, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे। चलो आओ, मैं तुम्हें गाड़ी में बैठा देता हूँ। ख्याल से, अरे दरवाजा बंद हो गया। चलो बैठो। बैठ जाओ। शाबाश। बूहे बारियां नाल कंधा टपके आवांगी हवा बनके, बूहे बारियां है आवांगी हवा। बहुत अच्छा गाती हैं आपकी राजाबा। आपका शुक्रिया। एलिफ को देखा है आपने? यही खेल रही थी, टूचे के साथ थी वो। ठीक है, शुक्रिया। आवांगी हवा बढ़के। एलिफ, कहाँ हो तुम? यहाँ हो क्या एलिफ? उफ, ये फिर से कहाँ चली गई यार? अर्कुत अंकल, मुझे अम्मी बहुत याद आती हैं। मुझे जल्दी उनके पास ले जाएं। क्या पहुंच गए हम? नहीं बेटा, सबर करो। अम्मी भी तुम्हें बहुत याद करती हैं। वो तड़प रही हैं तुम्हारे लिए। तड़प रही हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि वो खुश हो जाएंगी तुम्हें देखकर। जैनब पापा भी बहुत याद आ रही हैं। मैं तड़प रही हूँ उनके लिए। वाकई में? मैं भी एलिफ। परेशान मत हो बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या हुआ मेरी जान? चाचू, एलिफ नहीं मिल रही मुझे। क्या मतलब वो नहीं मिल रही तुम्हें? किराज़ापा ने तो कहा था कि तुम दोनों साथ खेल रही हो। जी, लेकिन जब मैं बाहर गई तो वो नहीं थी। हर जगह देखा मैंने, नहीं है वो। क्या मतलब टूचे? नहीं मिल रही, हर जगह देख लिया मैंने, नहीं है। टूचे, तुम सच बोल रही हो? मुझे नहीं मिल रही है एलिफ, कहीं चली गई है वो। Thank you.
कहाँ जा सकती है? चाचू, मैंने यही देखा था, वो यहाँ भी नहीं है। हद है अलिफ, कहाँ हो तुम? चाचू मेरे लिए रुके। कहाँ थी तुम? हाँ, क्या मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढती रहूंगी? अम्मी, अलिफ बस करो टूचे, बस करो। मैं उस नौकरानी का नाम नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम उस लड़की से दूर रहो, सुन रही हो ना? उसका नाम अब नहीं लेना। और देखो तुम बिल्कुल अलिफ लग रही हो। पहले तो ये चोटियाँ खोलो। अम्मी नहीं ना। चुप। उस नौकरानी से दोस्ती कर ली ना तुमने, अब तुम्हें मैं बताती हूँ। यहाँ भी नहीं है। अरे यार, कहाँ हो तुम अलिफ? या फिर दोबारा भाग गई क्या? अलिफ, मैं चाहती हूँ जब लोग आए तो वेलकमिंग इस पिक्चर से हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये वाली बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई है तुमने यार। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। मैली, खुश आमदीद। मुझे आपके आने की उम्मीद नहीं थी। आप तो जानती हैं कि मैं मसरूफ हूं, काफी ज्यादा। बस थोड़ा टाइम मिला तो आ गया। अच्छा किया कि आ गए। तो कैसा चल रहा है सब? मैं तो बहुत थक गई हूँ, सारा दिन हो गया इसी में लगे हुए। हाँ, क्योंकि ये इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल कि ये शायद कैंसिल करते। फरिया, अब ऐसा भी नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अच्छा अच्छा। सारी एक से बढ़के एक हैं, फैसला करने में काफी मुश्किल हो रही है। मतलब तुम्हें इतना टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं थी। एग्जीबिशन अगले हफ्ते ही है ना? तो आप आ रही है ना मैली? जी हाँ बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि ऐसा खास दिन मैं जाने दूंगा? हाँ बोलो। सईदा, मैं आने वाला हूँ, तुम घर में ही रहना, कहीं जाना मत। क्यों, क्या हुआ? आ जाऊंगा तो देख लेना, मेरा वेट करो और किसी को आने मत देना। अरकुद, कुछ हुआ है क्या? फोन रख रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। सुनो। अब बताता हूँ सबको, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, सबको देख लूंगा। और कितना टाइम लगेगा अरकुद अंकल? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, बस पहुँचने वाले हैं। वो मुझे भूख भी लग रही है, राज खाला ने खाना बनाया हुआ था, मैं खाने वाली थी। ठीक है, तुम वहाँ खा लेना, हमें थोड़ी जगह रखनी चाहिए अपने पेट में, है ना? ठीक है। अगर वो भागी भी होगी तो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। लड़की मेरे पास है, कॉल का इंतजार करूं क्या? ये कैसे? कोई घर में आकर उसे कैसे ले गया? कौन कौन कर सकता है ये?
समझ गया, ये जैनब के बाप ने किया है, उसी ने किडनैप किया है। हेलो सलीम। जैनब कहाँ हो तुम? बस पूछने के लिए कॉल की है। कैसी हो, कहाँ हो? मैं तो कैफे में हूँ। अच्छा अच्छा, तुम काम करो, ख्याल रखना। कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कॉल की थी मैंने। रखता हूँ। उसे तो मालूम ही नहीं है, आखिर वो एलिफ को कहाँ ले जा सकता है? हाँ हाँ आ रही हूँ, रुको एक मिनट। दरवाजा तोड़ोगे क्या? अरकुत, ये क्या है? क्या अम्मी यहाँ है? अरकुत अंकल, अरकुत अंकल, कुछ बोलो कि ये सब क्या है? मुराद, वो जो घर देखा था अच्छा था ना? इसमें 3 बेडरूम है, लेकिन डिपॉजिट बहुत ज्यादा मांग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा। देखो ये एक और ऐड भी है, लेकिन इसका डिपॉजिट भी ज्यादा है और इंश्योरेंस भी है। बस करे बाबा, अब तो पीछे ही पड़ गए हैं। वो बाबा, अगर आप स्टेट एजेंट के पास अकेले चले जाएं, मुझे एक जरूरी काम करना है। कौन सा काम है तुम्हें? इससे भी ज्यादा जरूरी घर लेना है हमें। क्या हो गया बाबा? आप सब कुछ खुद भी देख सकते हैं ना। तुम फिर उस लड़की के पास जा रहे हो? ठीक है, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ, मैं अकेले ही ढूंढ लूंगा। नाराज मत हो बाबा। जाओ मुराद जाओ, हर वक्त एक ही बात, तुम्हारा दिमाग अब काम नहीं करता बिल्कुल, जो चाहे करो, जाओ चले जाओ जाओ। तुम इस बच्ची को यहाँ क्यों लेकर आए हो? कहा था ना ये जंग जीतेंगे। इस तरह जीतोगे तुम जंग, बच्ची किडनैप करके? सईदा बस करो, सब कुछ कंट्रोल में है, यकीन करो। ये सही नहीं अरकुत, ये एक बच्ची है यार, तुम्हारे जमीर को क्या हो गया है? क्यों, क्या हुआ है मेरे जमीर को बताओ? मैं इसे घर ही तो लाया हूँ। जाओ इसके लिए कुछ खाने का बना दो, इसे भूख लग रही है। अगर किसी को पता चल गया तो हम क्या करेंगे? किसी को पता नहीं चलेगा, ये बात सिर्फ हमारे बीच में है। तुम इतने रिलैक्स कैसे हो, समझ नहीं आ रहा मुझे। सईदा तुम परेशान मत हो, कल हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे। इस पर नजर रखना, मुझे कुछ जरूरी काम है, किसी को अंदर आने मत देना और ना ही तुम बाहर जाना। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो अरकुत? कहाँ जा रहे हो अरकुत? नेस्लेहान के पास नए कपड़े आए हैं। हमें जाके देखना चाहिए, बल्कि कल जाती हूँ, शायद कुछ ट्राई भी कर लूँ। आरजू साहिबा, मैंने बच्चों के लिए कुछ बनाया था, उन्हें काफी भूख लग रही थी, लेकिन टूचे का रूम लॉक है, मैंने खोलने की कोशिश की थी। मैंने टूचे को सजा दी है, वो अपने रूम में ही रहेगी, तुम दखल मत देना। बेटा ये क्या किया तुमने, छोटी बच्ची है वो, दरवाजा खोलो जाके। ये तो बहुत गलत है। ये करना जरूरी था अम्मी जान, पता होना चाहिए कि माँ कौन है। तो क्या एलिफ भी रूम में है? बिल्कुल नहीं, लेकिन कहीं मिल नहीं रही वो मुझे। ओ, तो फिर एलिफ कहाँ है आरजू? मुझे नहीं मालूम अम्मी जान, काम कर रही होगी या खेल रही होगी कहीं अकेले, टूचे से दूर रहनी चाहिए बस। मेरे अल्लाह, कहाँ है ये लड़की? वो कहाँ गई फिर? अम्मी वो कहाँ जा सकती है, यहीं कहीं होगी घर के अंदर। वैसे एपिक कहाँ है, घर नहीं आई अभी तक?
नहीं, एपिक फरिया के साथ गई है, अपनी एग्जीबिशन की तैयारी कर रही है। वो बहुत एक्साइटेड है उसके लिए। उसने बहुत मेहनत की है और आगे भी करती रहेगी, जरूर बहुत कामयाब होगी इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल अम्मी, वो इस काम में बहुत अच्छी है। मेली साहब आजकल नजर नहीं आ रहे, एपिक इसलिए थोड़ी उदास भी है। पता नहीं इनकी शादी होगी या नहीं। मसरूफ होगा किसी काम में। एग्जीबिशन के लिए हमने ये पेंटिंग सेलेक्ट की है। फरिया को ये वाली बहुत पसंद है। ये वाली तो सच में बहुत खूबसूरत है। पहले मुझे एग्जीबिशन का आइडिया समझ नहीं आया था। वो क्यों? पता नहीं, बस मुझे लगा कि मैं अपनी प्राइवेसी दूसरों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये सब तो मेरी ख्याली दुनिया का हिस्सा है। दरअसल सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन मैंने ऐसा ही महसूस किया था। असल में ऐसा ही है, आखिरकार ये सब आपकी फीलिंग्स ही तो हैं। मैंने ठीक कहा है ना? ये वाला, ये बहुत खूबसूरत है। आपको ये पसंद आई? बहुत ज्यादा। एक तरफ राजदार है और एक तरफ खुली किताब, इसमें बहुत सी बातें छुपी हैं, ये जो बताना चाहते हैं। नाम क्या है इनका? छुपा हुआ प्यार। तो प्यार है ये? जी, लेकिन एक नामुकम्मल प्यार है, एक अधूरा प्यार, एक राज है जो कि सिर्फ इन दोनों लोगों के बीच में ही रह गया। अगर वो राज बता दिया जाए तो शायद सब कुछ बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए सब कुछ। शायद यहां लाया हो, लेकिन घर तो खाली लग रहा है। सकती हूँ एलिफ, हेलो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। क्या कहा? एलिफ मेरे पास है। बेहतर होगा कि तुम 4 लाख का बंदोबस्त कर लो। एलिफ तुम्हारे पास है? समझ नहीं पा रहा, कौन हो तुम? तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं, बस पैसे तैयार करो। अगर तुम्हें बच्ची चाहिए तो कल दोपहर 12 बजे तक मरकज वाले पार्क में ले आना। मैंने कहा कौन हो तुम? एलिफ कहाँ है बता मुझे। अल्लाह गौरत करे। तुम्हारी मदद कर रही हूँ। काम खत्म हो गया है, अब जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। तस्लीमे? हाँ बोलो। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, सादत अब्बा को क्या हुआ है? मुझे ठीक नहीं लग रही वो। आज इनकी बेटी की बर्थडे है इसलिए ये उदास है।
बाबा जान। बेटा ठीक हो? क्या हुआ, कैसे लॉक हो गई आप? अम्मी ने मुझे बंद कर दिया था। आरजू ने मुझे सजा दी थी। वाकई में? अरे मेरी बेटी, आ जाओ, तुम उदास मत हो, ठीक है? जाओ एलिफ को बुलाओ, उसके साथ खेलो आप। एलिफ नहीं है। नहीं है वो? किनान साहब। किराज, एलिफ कहाँ है? मैं यही बताने आ रही थी किनान साहब, एलिफ नहीं है, सब जगह देख लिया मैंने। अम्मी जान, इतनी जल्दी बना लिया? आपका हाथ बहुत तेज है माशाल्लाह। लेकिन मुझे लगता है मैं स्लो हूँ। हाँ, टेंशन में ऐसा हो जाता है, मतलब कभी सलीम की टेंशन तो कभी एपिक की टेंशन। आरजू, एलिफ कहाँ है? क्यों, अभी तक नहीं मिली क्या वो? नहीं आलिया साहिबा, नहीं मिली। अल्लाह उस बच्चे को बस अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सब, मुझे क्या पता? बेटा पुरसुकून हो जाओ, वो यहीं कहीं टूचे के साथ खेल रही होगी। देखो आ गई मेरी जान, टूचे ने अपनी अम्मी को बहुत नाराज कर दिया था। मैंने कुछ नहीं कहा था। किनान साहब, काश तुम्हें पता होता कि तुम्हारी बेटी ने आज क्या किया है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे आरजू, पहले एलिफ को ढूंढना होगा। या मेरे अल्लाह, अब तो मुझे भी फिक्र हो रही है उसकी। उफ, क्या पता चाचू के साथ बाहर गई हो। सही कह रही है, सलीम भी बाहर गया हुआ है, हो सकता है अपने साथ ले गया हो। सलीम को कॉल करो किनान। हमें बताना चाहिए था ना। कहां से लाऊंगा मैं ये पैसे? उफ सलीम, सोचो कुछ जल्दी। भाई की कॉल आ रही है, समझ गए होंगे सब। हदे यार, कॉल नहीं उठाई। बिजी होगा वो, परेशान होने की बात नहीं है। कल भी दोनों बगैर बताए बाहर गए हुए थे, सलीम एलिफ को पार्क ले गया था, बस अभी आ जाएंगे। आरजू भी सही कह रही है, फिक्र नहीं करो बेटा, सलीम तुम्हें कॉल बैक कर लेगा। काम हो गया सईदा, कल हमारे पास बहुत पैसे होंगे। सईदा, 4 लाख मांगे हैं मैंने उनसे। अभी तुम्हें समझने में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो तुम्हें उनकी आदत हो जाएगी और तुम्हें उनकी खुशबू भी अच्छी लगने लगेगी। देखो अरकुत, तुमने मुझे भी इसमें शामिल कर लिया है, हम किसी मुश्किल में ना पड़ जाएं। एक मुश्किल 4 लाख की है सईदा। यार अरकुत, तुम मजाक मत करो, ये लोग बहुत अमीर हैं, हम जैसे इनके सामने कुछ नहीं, अगर किसी मुश्किल में फंस गए तो क्या होगा? डरो मत तुम, तुम्हारे पीछे अरकुत खड़ा है, रिलैक्स हो जाओ। लेकिन ये बच्ची, देखो इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर इसे जरा सा भी कुछ हुआ तो हम। मेरी अम्मी आ गई। देखा, पुलिस आ गई ना, मैंने तुमसे कहा भी था कि वो लोग हमें ढूंढ लेंगे, सारी जिंदगी मुझे जेल में रहना पड़ेगा। अरे सईदा, क्या हो गया है, कौन सी पुलिस लड़की, किसी को आना था क्या? नहीं तो ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, आराम से, ठीक है, और जो भी हो उसे वहीं से वापस भेज देना। ठीक है। ओ तुम हो यार, कब से दरवाजा बजा रहा हूँ, तुम खोल ही नहीं रही, पता नहीं तुम्हें आजकल हो क्या गया। वो काम कर रही थी मैं, तो इसलिए आवाज नहीं आई मुझे। देखो तुम्हारे लिए मीठा लेकर आया हूँ। सच में? सुनो मेरी जान, एक अच्छी खबर लाया हूँ मैं। सईदा से जाओ प्लेट में निकाल लाओ, मजे से खाएंगे और बातें करेंगे। मुराद भाई, hmm.
केनान इतनी टेंशन ना लो, बच्ची है आखिर कहाँ जाएगी। सलीम का फोन है। इंशाल्लाह अच्छी ही खबर होगी। सलीम। हेलो केनान भाई, कहाँ हो तुम मेरे भाई? एलिफ साथ है क्या तुम्हारे? सलीम भाई मेरे साथ ही है, डॉक्टर के पास लेके गया था उसे। नहीं नहीं बस चेकअप के लिए। ठीक है वो बेफिक्र रहे। अम्मी को मत बताइएगा आप ये, वरना वो परेशान होंगी। ठीक है समझ गया। क्या कहा उन्होंने? एलिफ सलीम के साथ बाहर गई हुई है, परेशानी की कोई बात नहीं। शुक्र है शुक्र है, अब मुझ में कोई और दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। क्या मैं बैंक के अकाउंट्स में कॉल करूं? लेकिन मैं भाई को कैसे समझाऊंगा, इतने पैसे लेने की क्या वजह बताऊंगा उन्हें? चलो अब क्या इसमें पूरा दिन लगाओगी? क्या हुआ, लेटर भेजने का इरादा बदल दिया? जी नहीं, ये लें। आज तक एक भी लेटर का जवाब नहीं आया, लेकिन भेजना बंद नहीं करोगी तुम? हार नहीं मान सकती, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। जानती हूँ एक दिन इसका जवाब जरूर आएगा। मैंने वही कहा जो सच है। अगर कहूं कि ठीक नहीं हूं तो क्या होगा मलिक? क्या सब कुछ बदल जाएगा? इकबाल ने सही कहा, मैं सिर्फ एक उम्मीद पे सालों से जिंदा बैठी हूं। मैं जानती हूं, बेटी से जुदा होने की तकलीफ को समझती हूं मैं। अल्लाह रहम करेगा, अगर आप उम्मीद ना तोड़े तो वो सब बदल सकता है। बहुत शुक्रिया मलिक, मेरे अंदर नई उम्मीद जगाई। जाने से पहले तुम्हारे फोन पे 12 डिग्री का टाइमर लगा दूंगा, तुम्हें मैसेज कर दूंगा और बॉयलर खुद ही सेट हो जाएगा, देखना बिल्कुल जादू की तरह हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। सईदा तुम तो ये खा ही नहीं रही, खाओ ना तुम भी। हाँ खा रही हूँ मैं। ओ मजे से खाओ मेरी जान। तुम्हें मैंने घर का बताया था ना, वो घर तो बिल्कुल स्पेसशिप जैसा है। हाँ और उसमें 4 बेडरूम हैं जिसमें से एक मेरा है, आराम से रहूंगा मैं उसमें। उस घर के सामने एक बहुत बड़ा पार्क है, रोज सुबह वॉक पे जाया करूंगा। इस पुराने घर में रहकर मैं तो बहुत तंग आ गया हूँ सईदा, मैं तो बस ये चाहता हूँ जल्दी से हम अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएं। हाँ हमारी लाइफ भी चेंज हो जाएगी, बाबा ने कहा तो है। मैं घर का एडवांस देकर आऊंगा। बिल्कुल भी आवाज मत निकालना, समझ गई? सईदा तुम भी वो घर देखोगी ना, तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। क्या बकवास कर रहा है यार। मेरी जान
तुम सोच रही होगी इतने पैसे आए कहां से होंगे। ये वो इन्वेस्टर वाले पैसे हैं जो दिए थे, और वो पैसे रुक रुक के आएंगे, तो फिर एक घर ले लेंगे हम उससे। ये आवाज किस चीज की थी सईदा? सीधी खड़ी रहो। वो मैंने खिड़की खुली रखी थी, कमरा काफी गर्म हो रहा था। हाँ। फिक्र मत करो सईदा, जब हमारे पैसे आ जाएंगे हम दोनों के होंगे वो, उसके बाद हम बादशाहों वाली जिंदगी गुजारेंगे। हाँ तुम हमेशा ऐसे कहते हो कि ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, लेकिन बिना काम के कैसे होगा? क्या मतलब बिना काम के सईदा? मैं कार वॉश का बॉस हूँ, मुझे क्या टेंशन। मेरी जान, मेरा मतलब बॉस को भी अपने काम पे होना चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि वहाँ सही काम हो रहा है कि नहीं? हाँ कह तो सही रही हो। हाँ जान। अरे नहीं यार, मतलब मैं काम करता हूँ वहाँ, और अभी वहाँ अरकुत भाई और बाबा तो लाजमी ही होंगे। हाँ मेरी जान वो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है बॉस को वहाँ होना चाहिए। तुम इस तरह काम छोड़ के नहीं बैठ सकते। हाँ वैसे तुम ठीक कह रही हो सईदा, और बाबा वैसे भी आजकल मुझसे नाराज हैं, तो फिर मुझे जाना चाहिए सईदा। हाँ हाँ ठीक है। रात को चक्कर लगाऊंगा। हाँ ठीक है मेरी जान। सईदा जान, जब हमारी शादी होगी हम एक ही घर में रहेंगे ना, खूबसूरत फोटो वाली एंट्रेंस के साथ और एक गार्डन खूबसूरत सा। हाँ क्यों नहीं, हम जरूर रहेंगे ऐसे। सईदा ये क्या था यार, किस तरह का शोर है ये? अरे वो मैंने बताया था ना, खिड़की खोली है हवा के लिए। अच्छा ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखना, याद से खिड़की बंद कर लेना, कहीं बीमार ना हो जाओ। हाँ मेरी जान, फिक्र मत करो तुम मेरी, अपना ख्याल रखना। चला गया पागल। हाँ और मेरी जान निकलते निकलते रह गई। हाँ कोई और जगह ढूंढनी होगी, यहाँ इसे रखना ठीक नहीं। अरे यार एलिफ के बगैर घर कैसे जा सकता हूं मैं, कोई बहाना सोचना होगा मुझे। हाँ बोलो सलीम, कहाँ हो तुम? वो भाई अभी हम पैलन के घर पर हैं। ठीक है, एलिफ की तबीयत कैसी है? एलिफ, एलिफ ठीक है, मतलब डॉक्टर ने कहा है। तो घर आ रहे हो क्या? भाई वो सो गई है अभी, थक चुकी है काफी, और मैंने उसे उठाना नहीं चाहा। वो जैसे ही उठती है हम घर आ जाएंगे। ठीक है समझ गया, तो आज पैलन के घर रुकोगे क्या? शायद, देखते हैं अभी। अच्छा ठीक है, फिर कल मिलते हैं सलीम। अपना ख्याल रखना। टाइम बताया था उसने? नहीं कुछ नहीं बताया उसने, बस कहा रात में आएगा। अरकु तब क्या करेंगे हम? यहाँ रुकने का मतलब खुद को फंसवाना है सईदा। मैं बच्ची को लेकर जा रहा हूँ। क्या क्या मतलब जा रहा हूँ, कहाँ जाओगे तुम? पता नहीं, चलो। सुनो इरकुत, कोई देख ना ले तुम्हें, ये ना हो कोई बड़ा मसला हो जाए। सईदा फजूल मत सोचो। कहाँ लेके जाओगे इसे, ये एक छोटी बच्ची है इरकुत। मैं देख लूंगा ये सब। सईदा आपा, अगर मेरी अम्मी यहाँ आ जाए तो उनसे कहिएगा कि मेरा वेट करें, ठीक है? चलो। अल्लाह ये क्या कर रहे हैं हम?
हवस जागर यथामय रूप ellerin yüzüne bakamıyorum gardiyan yavrumsuz yapamıyorum ana diye diye gardiyan yavrumsuz yapamıyorum ana diye diye ağlamaya her kapıya varma döverler yavrum anan mahkum diye söverler yavrum kapılardan bakma 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 kovarlar yavrum ana diye diye ağlama yavrum kapılardan bakma 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 kovarlar yavrum ana diye diye ağlama yavrum sokaklarda boyunun bükük ağlama anan gelir diye gönül eyleme acından ölsen de ele söyleme kader hepimize gülmedi yavrum acından ölsen de ele söyleme kader annene de gülmedi yavrum Elif. एक और बुरा ख्वाब मेरी बच्ची क्या हुआ है क्यों उठाया तुमने इस टाइम मुझे मैं आपसे फोन मांगना चाह रही थी किसका फोन है इतनी सुबह सुबह जरूरी नहीं होता तो नहीं मांगती मैं पैसे के बगैर कुछ नहीं मिलता यहाँ बेफिक्र रहे पैसे दूंगी मैं
तुमने मेरी नींद खराब की है, इसलिए इसके पैसे डबल होंगे। ये जैनब, मैं बात कर रही हूँ मलिक। मलिक आपा, आप ठीक तो है? क्या कुछ हुआ है? ठीक हूँ मैं जैनब, मैं अभी जेल की एक औरत के फोन से बात कर रही हूँ। जैनब आपा, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? जैनब तुम प्लीज कुछ करके कोई रास्ता निकालो और एलिफ को मिलवाने लेकर आ जाओ, मुझे अजीब सा लग रहा है कुछ। एलिफ ठीक है आपा, आप बेफिक्र हो जाए। प्लीज सैनब, उसे देखे बगैर मुझे सुकून नहीं आएगा, उसे मेरे पास लेकर आ जाओ प्लीज, कुछ भी करके मुझे मिलवा दो। जी ठीक है, मैं जल्द आती हूँ एलिफ को लेकर आपसे मिलवाने। अरे तुम कब से रोई जा रही हो बेटा, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसे खा लो। चलो आओ। नहीं खाना मुझे। क्या, बहुत मजेदार है ये, आके खा लो। मुझे अम्मी के पास जाना है। या अल्लाह, आपने मुझसे झूठ कहा था, आपने कहा कि अम्मी के पास जाएंगे। झूठ बोलना बहुत गुनाह है, आपको पता है। बात सुनो, तुम्हारे अरकुत अंकल दिखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन गुस्से के बहुत बुरे हैं। मेरी बात मानोगी तो फायदे में रहोगी, समझी? चलो मैं खुद ही खा लेता हूं। ये तो ऐसे गले से नहीं उतरेगा, चाय मंगवा लेता हूं। ये बताओ, पेंटिंग्स फाइनल कर ली तुमने? जी कुछ तो फाइनल कर ली है, ये तो अच्छी बात है जी। लेकिन मामा ये काम बहुत मुश्किल है, सब कुछ फाइनल करना, कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। बेटा तुम इतनी मेहनत कर रही हो तो हर चीज ठीक ही होगी। सही कहा मामा। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। बेटा सलीम कहाँ है, अपने रूम में तो नहीं था? कल घर नहीं आया क्या? घर नहीं आया? तुम्हें भी कुछ नहीं मालूम? या अल्लाह, तो अभी तक बात नहीं हुई तुम्हारी उससे? पहले हुई थी बात मेरी उससे। आप रुकिए, मैं दोबारा कॉल करता हूं। कर रहे हो? हाँ यार, मुझे थोड़ा काम था इस तरफ तो मैं यहीं सो गया। कौन वापस जाके आता? क्या वाकई? सलीम मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। थोड़ी देर पहले मैले कापा की कॉल आई थी। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैले कापा ठीक है, लेकिन एलिफ से मिलना चाहती है वो। उन्हें याद आ रही है उसकी। मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन क्या हम एलिफ को फार्म से लेकर मलिक आपा के पास ले जाएं? अभी इस वक्त? अगर कोई मसला ना हो तुम्हें। नहीं ऐसा नहीं है। चलो एलिफ को लेने चलते हैं हम, उसे उसकी अम्मी से मिलवाते हैं।